भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। करेक्ट आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन सी। पाक स्टेट अवस्थित है, पाक स्टेट अवस्थित है तो भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी। राजस्थान के किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ है बारा में। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? टोंक, सवाई माधोपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित देश राज्य सुमेलित नहीं है। हरी मोहन माथुर ये करौली से नहीं है, तो यही इसका गलत होगा और यही इसका आंसर होगा। स्थलाकृति सुमेलित नहीं है तो भाकर पूर्वी सिरोही में है, उड़ियारा का पठार माउंट आबू में है, लसाड़िया का पठार ही माउंट आबू में नहीं है, वो सॉरी लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, यही इसका गलत है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही इसका गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम, ऑप्शन बी। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2010 में। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? जैसलमेर में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है खनिज और खनन क्षेत्र, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांबड़ा काला गुना, यही सुमेलित नहीं है। तो ये तांबड़ा काला गुमान में नहीं है। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन। कथनों का कूट का चयन करना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितेशिणी सभा की स्थापना की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। 19वीं सदी की सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितेशिणी सभा की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है।
सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ये भी सही है, तो इसमें दोनों ही आंसर सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन बी। किसने चबरी कर लगाया? तो चबरी कर किसने लगाया था, कौन से ठिकाने ने चबरी कर लगाया था? तो बिजोलिया ठिकाने ने चबरी कर लगाया। लोद्रवा प्रसिद्ध है, जैन मुनियों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। सिंचाई परियोजना और उनका जिला सुमेलित नहीं है, परवन लिफ्ट जयपुर ये ही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। सावन भादो कोटा में है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, और सोम कागदर उदयपुर में है। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 अप्रैल 2022 को करंट का है, लोक संगीत कलाकार को। तो गाजी खान, ये दिया गया गाजी खान बरना को दिया गया है। मेहड़सर प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मेहड़सर। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में। बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। सन 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? 7 जिलों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान के सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में पाई जाती है, ऑप्शन डी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे राजस्थान विधानसभा के। कौन सा आभूषण मानव आभूषण और उसका अंग सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है। तगड़ी कमर में पहनते हैं, रमझोल कमर में नहीं पहनते, सुरलिया कान में पहनते हैं, तिमनिया गले में पहनते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत को
15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, यानी कितने सेंटीमीटर वर्षा पर की जाती है? 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है शुष्क क्षेत्र कृषि। सुमेलित करना है कुलदेवी और उसकी जाति से। करणी माता, करणी माता है चारण समाज की, चारण समाज की कुलदेवी, तो ऑप्शन 4 इसका ये हो जाएगा। करणी माता चारण समाज की कुलदेवी है। सकराय माता खंडेलवाल की है, खंडेलवाल समाज की जाति की है सकराय माता। आई माता सीरवी समाज की है, दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, सीरवी समाज दूसरे नंबर पे है। नारायणी माता ये नाई समाज की है, यानी सेन समाज की। तो हम देखते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केसरी सिंह वारेहट ने चेतावनी रा चूंगटा किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा। मुक्ति नामक कविता के रचयिता कौन है? मिठेश निर्मोही, ऑप्शन सी। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेहट प्रताप सिंह है इसमें प्रताप सिंह बारेहट को तो ये था बनारस षड्यंत्र में, बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो ये 6 नहीं है, 11 अगस्त को ली थी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी सही है। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 3 4 सही है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? झालावाड़ में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज और जोधपुर को, ठाकुर कुशाल सिंह ने, ऑप्शन डी करेक्ट। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैरव सिंह शेखावत, 2 बार लगाया गया था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व में, ऑप्शन ए।
अजरक प्रिंट सुमिलित करना है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, बाड़मेर में अजरक प्रिंट की जाती है। ऑप्शन चार, पावर लूम कपड़ों पर छपाई की जाती है। बालोतरा में पावर लूम कपड़ों पर छपाई की जाती है। बालोतरा में मोठड़ा, मोठड़ा जोधपुर में है। मसूरिया, मसूरिया कैथून में है। मसूरिया कैथून में। 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन एक करेक्ट होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है बैंक दर। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाशित प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली को दिया जाता है श्रीधर अंधारे को। अटुंडी यानी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाव उपाध्याय द्वारा की गई थी। सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, सतपुड़ा पहाड़ी की श्रृंखला का भाग नहीं है। भारनेर, तो भारनेर ही भाग नहीं है, बाकी राजपीपला, महादेव, मैकाल ही भाग है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत बताना है। 13.5% है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता ईगा स्वियातेक, ऑप्शन डी। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है तो वो है जोधपुर रेलवे स्टेशन को। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, कौन सा है? अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र, ऑप्शन डी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और विकल्प सही का चयन करना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सही है। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोनों ही सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होएगा। एक और दो दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। एम विश्वेश रैया। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की है, ऑप्शन ए।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करेगा? 25,000 रुपये का। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, यानी कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो उसमें 2/3 व्यक्ति अगर होंगे जो ये कह देते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष सही नहीं है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्य वित्त आयोग के गोयल। बढ़ार एक विवाह पर आयोजित भोजन है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ है? लाखेरी में स्थापित हुआ। वाद्य यंत्र तीनों से अलग है, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र जो अलग है? तो वो है खड़ताल। अलगोजा, मशक, सेना ये फूंक दे करके बजाए जाते हैं, तो खड़ताल कैसा घन वाद्य यंत्र है। जनसंख्या घनत्व, कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ऑप्शन बी। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको कहते हैं खोयतु। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी में ठंड पड़ती है तो ऑपरेशन सर्द हवा। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कर्नाटक। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के मामले में दूसरा स्थान है, ऑप्शन डी। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो पहला स्मारक डाक टिकट चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ पर 1949 में। गोविंद देव जयपुर में है, गोविंद देव मंदिर। मदन मोहन मंदिर करौली में है, ये भी याद रखना। और ये किस संप्रदाय से है? तो ये है गौड़ीय संप्रदाय से है, ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ नहीं मिलता है, तो वह पाली जिले को नहीं मिलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो यह है धौलपुर जिले में। बी3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो वो है जोधपुर जिले में। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। महामंदिर जोधपुर में है और ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। मनरेगा की तर्ज पर
राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्त सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकायों में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है, यानी पहली अपील के बाद में दूसरी अपील की जा सकती है 60 दिनों में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो चिश्ती संप्रदाय के थे, हमीदुद्दीन चिश्ती संप्रदाय। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी, पहली जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी लूणकरण सर में। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो गरीबी सूचकांक 2010 में शुरू किया गया था। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कब पड़ता है? कार्तिक महीने में। ये राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरा पाटन में आयोजित होता है, ऑप्शन बी। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था? विजय सिंह पथिक ने, तो समाचार पत्र का नाम है प्रताप, ऑप्शन ए। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है? तो ये उदयपुर में है, ऑप्शन डी। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है उदयपुर में। वर्तमान में राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरे पुर्तगाल के हैं। जनवरी 2023 में 8वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी नागपुर में। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, ऑप्शन बी। स्थानांतरित कृषि क्षेत्र है और वो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं की पहचान की जानी है। तो झूम कृषि आसाम में की जाती है, पौनम कृषि केरल में की जाती है। और पौंडो कृषि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की जाती है, लेकिन कुमारी कृषि मध्य प्रदेश में नहीं की जाती। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सीकर जिले के मंगलूणा गांव में। परख किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। भोर यानी BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, तो पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है,
तो इसका उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों का पुनर्वास सुमेलित नहीं है। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण लिखा था, कुवलयमाल उद्धोतन सूर्य ने लिखी थी, पृथ्वीराज विजय ये चंद्रवरदाई ने नहीं लिखी थी, जयानक ने लिखी थी। जयानक द्वारा लिखी गई थी हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसको ऑप्शन सी ही होगा। भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर होगा 97° 30′ पूर्व। ऑप्शन ए निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, और जिसमें कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री शामिल है, विधानसभा का विपक्ष नेता शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था तो उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो नागौर किले में स्थित है। चार हाथ वाले लोक देवता, चार हाथ, कल्लाजी राठौड़, फलकुबाई, ये लोक नृत्य है, किस लोक नृत्य से है? तो चरी नृत्य से। भरतपुर प्रजामंडल संघ की स्थापना 1938 में। राजस्थान में संचालित सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम DPAP वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र का 75% और 25% राज्य का है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 नवीन सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं जैसलमेर में। साहिबद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त है? महाराणा जगत सिंह। 1818 ईस्वी में कंपनी की तरफ से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटकाफ। राजस्थान की किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर में। के बिरला फाउंडेशन 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया उसकी किस कृति के लिए? यानी कि डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था पचरंग चोला पहर सखी री, पांच रंगों का चोला पहन सखी के लिए दिया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि ग्राफिकल फाइल को एक्सटेंशन किया जाता है, किस में रखा जाता है? JPG, GIF और VMP। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। MS Excel में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो Power 2 2 3। NTFS का मतलब है न्यूरो टेक्नोलॉजी फाइल
सिस्टम है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एमएस वर्ड 2019 में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए स्टॉक है शिफ्ट 5F यानी प्लस 5F शिफ्ट प्लस एफ 5। इसमें स्तंभ को मिलाना है। तो बार कोड, तो बार कोड है डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल से, तो इसका 3। OMR का मतलब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 MICR का मतलब है बैंक के चेक पर होता है MICR। और QR कोड, QR कोड होता है ऑनलाइन पेमेंट पर होता है QR कोड। और OCR छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। तीन एक चार दो पाँच यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइफ हाई के बारे में बताना है। तो यह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, ये गलत है। यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, ये गलत है। लाइफ हाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है, ये सही है। लाइफ हाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 और 4 यानी कि 2-4 किस्में हैं, सॉरी 3 और 4, तो 3-4 ऑप्शन बी में है। रासायनिक पदार्थों को उनके उपयोग से मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है विरंजनीकरण में रंग उड़ाने के लिए किया जाता है, 3। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड में किया जाता है यानी एसिडिटी कम करने में, 4। बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कांच बनाने में, ऑप्शन 1। और सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के उत्पादन में, 2। 3-4-1-2 किसमें हैं, 3-4-1-2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यानी कि थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही है अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी, तो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। OTEC का अर्थ है ऑपरेशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध होगा 36 ओम। अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं विब्रियो कॉलेरी, विचार करना है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और इसका ह्रास किसके द्वारा होता है, तो इसमें होता है हेलेंस, ऑप्शन 3 किस्में सही है। तो इसमें देखते हम तो ऑप्शन बी है इसमें, तो ये नहीं तो केवल 3 के द्वारा यानी कि हेलेंस के द्वारा। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसरो के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, तो पहला ऑप्शन गलत है। एंट्रिक्स
कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, ये सही है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही होगा। ये श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करना है, तो इसका 260 ये गलत होगा, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से उस स्थान पर संबंधित अक्षर को डालना है, तो इसका डी एफ एच जे का आएगा डब्ल्यू यू एस क्यू, ऑप्शन सी। और यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो शिक्षक की आयु होगी 38 वर्ष, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन बी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर होगा 10वीं पंक्ति में 10वें स्थान पर आएगा। और इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुजों की संख्या 16 होगी, ऑप्शन ए। इसमें दर्पण प्रतिबिंब को देखना है, दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए इस झंडे को देख लेते हम, तो झंडे से पता चलता है कि ये बड़ा सही है, ये बड़ा सही है, ये बड़ा सही है, और ये वाला ये बड़ा सही है, और ये वाला, तो ये बड़ा ही गलत है, और ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन सी और डी इसके तो इसमें सी और डी उत्तर आएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा 1400 उम्मीदवार आएंगे इसमें। गुणवत्ता का एक टूल्स टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, तो ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन एक सही होगा, तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसमें ए किस प्रकार डी से संबंधित है, तो इसमें आएगा पोत्री। यहाँ पर ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो 1440 रुपये का मूल्य चुकाना पड़ेगा कुर्सी का। तो यहाँ पर सी की आय का ए की आय से अनुपात बताना है, तो 2:1 आएगा, 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10,000 रुपये। अब यहाँ पर ये आरेख है, और आरेख किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको बताना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी संकेत भाषा यदि ट्रिपल का अर्थ डी एम ओ क्यू एच एस डबल एस हो तो उसकी भाषा विक्टरी का अर्थ होगा, इसका आएगा जेड एक्स पी एस डी एच डब्ल्यू, ऑप्शन ए। हिंदी के प्रश्न है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद है,
लिए सार्थक अर्थ होगा भरत वाक्य। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। अधम का उत्तम, अज्ञ का विज्ञ और अग्र का पश्च, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस विकल्प में सभी शब्दों के उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? विचारणीय, पारिवारिक, औत्पत्तिक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो से संघर्षणीय है, यही गलत है। बाकी असंगत विकल्प का चयन करना है तो उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया, यही गलत है। लड़के मैदान दौड़ रहे, अकर्मक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? चिंतन। चिंतन विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा सर्व से निर्मित नहीं है? तो चिंतन। तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है अंधविश्वास में। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन सी। अयादि स्वर संधि दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। विधि प्लस अक विधायक। तो इनके मैं फटाफट उत्तर बता देता हूँ इंग्लिश की का। तो 41 का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, एडोलेस सेंस एंड एडोल फूड। द एंटोनोमी ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी गिव इन द पैसेज। तो इसका आएगा एपैथी। तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टीफ लेड गिवन इन द पैसेज। तो सुपर सीड। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है। तो आई बाज मे टू लाफ इसका ही होगा। गिव वन वर्ड ऑफ द स्टीफ इसका सोयल होगा। इसका 46 भी होगा। माँ क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी है? ऑप्शन बी। तो 47 से का आंसर होगा ऑप्शन दो। तो यहाँ पे 47 के का क्वेश्चन का आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी थर्ड वाला सही है इसमें, बाकी सब गलत है। और 48 भी का 80 का आएगा। 49 में द एंड ए का ए आएगा, दी एंड ए। और लास्ट का क्वेश्चन है अंतिम, इसमें आएगा द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक, ऑप्शन ए। देयर बुक ऑप्शन ए आएगा। तो हमारे ये पूरे 150 क्वेश्चन सही होते हैं,
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स।